देखिए, एक शब्द है हिंदी में सदैव। तो स्टूडियो में सदैव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे। देखिए, सदैव का मतलब होता है सदा या हमेशा, सर्वदा, निरंतर, नित्य। अनंत को हम सदैव बोलते हैं। युग युग, स्थायी रूप में, अस्थायी रूप से, बराबर, स्थिरता से, लगातार, हर दम, हर पल, मतलब सदैव। इंग्लिश में सदैव को बोलते हैं यूजुअल, एज यूजुअल, ऑलवेज, फॉर एवर, एवर, कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली, कॉन्टिन्यूअली, परसिस्टेंट, कॉन्स्टेंट, परमानेंट एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं सदैव के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द का प्रयोग करेंगे कि ईश्वर उनकी सदैव रक्षा करता है, सहायता करता है। मतलब इंग्लिश में गॉड कंटिन्यूअली हेल्प्स देम, प्रोटेक्ट्स देम, गार्ड्स देम। दूसरा एग्जाम्पल, सदैव तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। मतलब इंग्लिश में आई वॉन्ट टू स्टे, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू ऑलवेज, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू ऑलवेज। तो स्टे या लिव का मतलब रहना, ऑलवेज का मतलब सदैव, हमेशा। ठीक है, तो मैंने अपने सदैव शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।